रिसेंटली टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी जिम में वर्कआउट कर रहे थे और उस टाइम पे उनको एक हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे रिसेंटली हमको पता चला है टीवी एक्टर्स लाइक राजू श्रीवास्तव और उसके पहले कर्नाटका के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, उनकी भी डेथ सेम कंडीशंस में हुई। ये सारी न्यूज़ को सुन के बहुत सारे लोग बहुत डर गए हैं, उनके दिमाग में बहुत फियर आ गया है कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो देर इज़ अ लार्ज चांसेस कि आपको भी हार्ट अटैक आ जाएगा या जिम में वर्कआउट करना अनसेफ है। इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके ये बोला कि यू स्टॉप वर्किंग आउट इन द जिम एंड यू बी रियली रियली केयरफुल इवन इफ यू आर, क्योंकि इट्स वेरी अनसेफ। इस इंसिडेंट्स में जो जिम में इस टाइप के सिचुएशंस हो रहे हैं, यस ये जिम में हो रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिम की एक्सरसाइज की वजह से हो रहे हैं, वर्कआउट की वजह से हो रहे हैं। देयर कैन बी अदर रीजंस जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होती हैं, देर आर मेनी रीजंस लाइक दैट। हमें उन रीजंस को समझना चाहिए, ना कि ये कि क्योंकि ये जिम में हो रहा है तो ये जिम के वर्कआउट की ही वजह से हो रहा होगा। इन दिस वीडियो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द सेफ वेज ऑफ वर्किंग आउट इन द जिम जिससे कि आप इस टाइप के सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ यूरोपियन हेल्थ जर्नल, एक्सरसाइज रिलेटेड जो पेशेंट्स आए थे उनके पास में जिनको हार्ट अटैक था, उसमें से 46% सर्वाइव्ड। लेकिन यही नंबर अगर आप उन लोगों में देखें जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, दैट वॉज 17%। सो ओनली 17% ऑफ द पीपल जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, दे कुड सर्वाइव इन हार्ट अटैक काइंड ऑफ केसेस। सो दैट बेसिकली स्टेट्स इन इटसेल्फ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं देन योर हार्ट इज मोर स्ट्रांग, इट हैज मोर स्ट्रेंथ टू सर्वाइव कंडीशंस लाइक हार्ट अटैक। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉजेज, प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसको हम CVD कहते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज योर आर्टरी ब्लॉकेज। तो अगर जो हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आर्टरीज के थ्रू होता है, इन आर्टरीज में अगर आपका कुछ फैट डिपोजिशन की वजह से और सम फैट सेल्स के डिपोजिशन की वजह से इन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज आपके हार्ट को और ज्यादा वर्क करना पड़ता है टू पंप द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इन टू द बॉडी। नाउ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पर आपके जो हार्ट होता है वो और ज़्यादा इट हैज़ टू वर्क हार्डर, एंड अगर आपके आर्टरी में ब्लॉकेज हैं तो उस टाइम पे इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आर्टरी ब्लॉकेज है तो उसको फिगर आउट करना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए इफ़ यू आर अबव 35 ईयर्स ओल्ड और आपकी फैमिली में हार्ट डिसीज है किसी को भी, आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या आपकी किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली में, देन यू आर मोर प्रोबेबल टू हैव अ हार्ट डिसीज और हाई ब्लड प्रेशर और एनी सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजेस। अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिसीजेस की हिस्ट्री है, देन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं रेगुलरली। आपका हार्ट कैसे फंक्शन करना है इसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, लाइक इकोकार्डियोग्राफी या फिर ट्रेडमिल टेस्ट। ये टेस्ट आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे और एनुअली यू शुड गो फॉर दीज टेस्ट इफ यू हैव अ हिस्ट्री इन योर फैमिली एंड इफ यू आर 35 ईयर्स ओल्ड प्लस। द नेक्स्ट रीजन इज योर फूड हैबिट्स। तो आपका हार्ट कितना हेल्दी है और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज कैसे आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। और ये वन और टू मील से रिलेटेड नहीं होता है, इट्स ओवर द ईयर्स व्हाट यू हैव बीन फीडिंग योर बॉडी, एंड दैट इज वाई वी हाईली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर अ बैलेंस्ड डाइट। यू शुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैवी फूड्स, यू शुड नॉट हैव प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, ऑल ऑफ दिस यू शुड अवॉइड। अगर आप ये अवॉइड नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड, राइट फूड्स, देन ऑल्सो यू आर हाईली प्रोबेबल टू गेट अ CVD। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसिव एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो कि लोगों को लगता है कि इट्स एक्चुअली कॉजिंग ऑल ऑफ दीज हार्ट अटैक्स इन यंग एडल्ट्स। वेन वी एक्सरसाइज हमारा जो हार्ट रेट है वो ऊपर और नीचे जाता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी आर डूइंग। अगर आप HIIT काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो हाई इंटेंसिटी पे जाता है, फिर हम उसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं विच इज योर रेस्ट इंटरवल, एंड देन उसके बाद में हम इसको फिर से हाई लेके जाते हैं। तो हाई इंटेंसिटी का जो हार्ट रेट है उसको इंटरवल लेकर के हम उसको हाई एंड लो करते रहते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो कहाँ तक जा रहा है एंड इज इट इन अ सेफ लिमिट और नॉट। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं या आप कार्डियो कर रहे हैं जो कि बहुत इंटेंस है, उसमें भी यू हैव टू बी केयरफुल कि वेयर इज योर हार्ट रेट गोइंग। एंड मोस्ट ऑफ द कार्डियो वाली जो मशीन्स होती हैं वो आपको हार्ट रेट बताती हैं, जिसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है बट स्टिल दे आर फेयरली एक्यूरेट। अगर आपके पास में कोई बैंड है जो आप पहनते हो जिससे कि आपका हार्ट रेट मेजर होता है, कीप एन आई ऑन दिस वाइल यू आर एक्सरसाइजिंग। नाउ द पीपल हु आर डूइंग वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग ऑल्सो, वेट लिफ्टिंग में भी हमारा जो हार्ट रेट होता है वो अप जाता है, बट अगेन क्योंकि वेट लिफ्टिंग भी एक इंटरवल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए वेट को लिफ्ट करते हैं वेयर वी पुश आवर बॉडी एंड देन वी टेक रेस्ट एंड देन वी गो बैक, इसमें भी आपका हार्ट रेट अप होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द रेंजेस दैट यू आर प्लेइंग इन बिटवीन। नाउ टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपका हार्ट रेट होना चाहिए इन ईदर ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, ये मैं एक कैलकुलेटर बनाया है मैंने जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यहाँ पर आप जा सकते हो एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स इट विल गिव यू कि वॉट इज द सेफ रेंज ऑफ योर हार्ट रेट।
नाउ अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कुछ हार्ट का हिस्ट्री है, हार्ट डिसीजेस का हिस्ट्री है, या फिर आप अभी बिगिनर लेवल पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, देन आई वुड से दैट आपको अपना इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए. सो यू शुड जस्ट बी प्लेइंग अराउंड विद लाइक अ लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स इन द बिगिनिंग, एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग. इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस इट हैपेंस दैट आप सडनली अगर अपना इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे एंड योर हार्ट एंड योर बॉडी इज नॉट एबल टू लिव अप टू इट, देन यू कैन एक्चुअली गेट इनटू ट्रबल. स्ट्रेस हैज बीन द प्राइमरी रूट कॉज ऑफ हैविंग हार्ट अटैक, स्पेशली इन यंग एडल्ट्स. इतना ज़्यादा वर्क स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, यू आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप, ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर हार्ट. और इसकी वजह से इट इज़ वेरी वेरी प्रोबेबल कि जो टीवी एक्टर्स भी हैं, जो मूवी एक्टर्स हैं, उनका लाइफ बहुत हेक्टिक होता है, दे हैव वेरी स्पोरेडिक शेड्यूल्स, तो उसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन स्पाइट ऑफ देम टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी इन द जिम और हैविंग इवन सम काइंड ऑफ रिजीम फॉर देमसेल्व्स और हेल्दी फूड खा भी रहे हैं. तो भी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, देन यू हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन रिड्यूसिंग दैट स्ट्रेस. नाउ सम ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑल्सो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, बट अगर आप बहुत ही एक्सेस में उन सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करने लगते हैं, तो भी चांसेस हैं कि वो सप्लीमेंट्स आपके जो हार्ट है उसको इफेक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं. इंडिया में मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली डू नॉट कंज्यूम सप्लीमेंटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड इवन इफ वी डू, हम लोग उसका जो डोसेज है वो बहुत ही नॉर्मल होता है इन मोस्ट ऑफ द पीपल. लाइक अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल कि आप उसको ओवरडोज नहीं कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस आर वेरी केयरफुल ऑन दिस, एंड दिस इज नॉट अ हैबिट दैट आई हैव सीन इन इंडियन हाउसहोल्ड्स. बट अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. बट दैट डज नॉट मीन कि आपको सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ दी सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ, बट ओनली इन द डोसेज दैट योर डॉक्टर रिकमेंड्स. हार्ट डिजीज सिर्फ एक रीजन से नहीं होता है, इन मेनी केसेस जो कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं टू गेट टू अ लेवल वेयर यू गेट एन हार्ट अटैक. नाउ इफ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, यू आर स्मोकिंग, और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट को एक्सपोज हैं जहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्मोकिंग मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं, ये सारी चीज़ें पुट टुगेदर कैन बी रियली रियली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. आई वुड ओनली से कि कोई भी चीज़ हेल्दी और अनहेल्दी तब होती है जब हम उसके एक्चुअल जो हमारा तरीका है, जो सही तरीका है उसे परफॉर्म करने का, वो समझते हैं. देर आर सो मेनी डेथ्स दैट हैपन इन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड्स, बट हम रोड पे चलना नहीं छोड़ देते हैं. द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज बी सेफ. दैट्स द सेम मैसेज आई वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो, कि आप जिम में वर्कआउट करो विच इज़ नॉट हेल्दी. आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्दी करता है इनफैक्ट जिम करना, एक्सरसाइज करना. सो यू शुड नॉट स्टॉप डूइंग दैट. द ओनली थिंग यू शुड नीड टू लर्न एंड बी केयरफुल इज कि किस तरीके से आप एक सेफ जोन में एक्सरसाइज कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट वॉज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर मोर अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड टेक केयर.